हर हर महादेव। देखिए बड़ा माता बहनों से संबंधित बहुत ही उपयोगी चर्चा है, जो है अविनाश व्यास जी हैं, ब्राह्मण वर्ण हैं, राजकोट गुजरात से। इनका प्रश्न है कि क्या रजस्वला स्त्री मंदिर में जाकर दर्शन कर सकती हैं या फिर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है? दर्शन करना या गर्भगृह में प्रवेश करना, पूजा करना वर्जित है और वे दूर से ही मंदिर का दर्शन कर सकती हैं? कौन कौन से कार्य रजस्वला स्त्री को वर्जित हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। मुख्य बात यही है कि रजस्वला स्त्री के क्या कर्तव्य कर्तव्य हैं, क्या वो करें क्या नहीं करें। देखिए रजस्वला स्त्री से संबंधित भगवान मनु ने, भगवान याज्ञवल्क्य ने, समस्त निबंध ग्रंथों ने, भाष्य ग्रंथों ने, आचार्यों ने बड़े विद्वत रूप से बहुत व्याख्यान करते हुए बतलाया है। सबसे पहले तो यही कहा गया है कि प्रथम रजो दर्शन पति के घर में होना चाहिए, उससे पहले विवाह आदि कृत्य हो जाना चाहिए तो शुभ होता है। प्रथम रजो दर्शन पर ही बड़ी चर्चा है कि वो किस अवस्था में हुआ, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते कुछ कैस क्या कार्य करते हुए हुआ, तो फिर उसका फल है कि वो जो है इतने पुत्रों को देने वाली होगी, ऐसी स्वस्थ होगी, ऐसे जीवन में सौभाग्यवती होगी, ये होगा कई तरीके का जो है वर्णन। फिर वो बतलाया गया कि पहला रजो दर्शन आते समय कितना रजो दर्शन आया, कितने छींटे आए, उनको गिन के भी फल है। किस तिथि वार नक्षत्र में किस योग कर्ण में आए, उसका फल लिखा हुआ है ज्योतिष में। किसके साथ बैठना है, क्या कार्य का तो है ही, किसके साथ बैठी है किस, तो उसका भी फल फिर है, दिन रात के हिसाब से है फल। ये जो है फल का विवरण है। तो उस समय उत्सव सा रहता है, उत्सव मना है कि भाई जो है वंश वृद्धि होने का जो है शुभारंभ हुआ है। ये है, ये तो प्रथम रजो दर्शन का है। यदि मुहूर्त में हो, सही मुहूर्त में हो, तो फिर वो जो है पति आधान करे, अन्यथा फिर वो दूसरे ऋतुकाल में देखे कि जब शुभ मुहूर्त में उसका दर्शन रजो दर्शन हो तब जो है आधान इत्यादि करे। ये तो एक सामान्य बात है जो कि बड़ा दुर्लभ है वर्तमान समय में। ऋतुमती महिला को किसी से वार्ता नहीं करनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप जो है ये शास्त्रों के प्रमाण देकर के बोलेंगे बहुत बड़े वीडियो हो जाएंगे, इसलिए मैंने ग्रंथों का उद्धरण पहले ही दे दिया है, उन्हीं ग्रंथों की लिखी हुई बात को मैं जो है बतला रहा हूं। रजो दर्शन की स्थिति में ना ही पर पुरुष को देखे ना अपने आप को किसी को दिखाए। रजो दर्शन काल के भोजन के पात्र भी अलग होना चाहिए, इन पात्रों में भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय शयन भी भूमि पर होना चाहिए, कहीं पलंग पर या रोज के जिन वस्त्रों को जो है प्रयोग में लाते हैं उस शैया पर नहीं सोना चाहिए। किसी का भी वो स्पर्श न करे। हाँ, जो बालक स्तन्य पान माता का स्तन पान करते हैं उन शिशुओं को अपने पास रख करके स्तन पान करा सकती हैं, उनकी भी शुद्धि बतलाई गई है कितना बड़ा है, तो वो माता के पास रह करके सही है, या वो दूसरी महिला के पास भी जाता है, दूसरे लोग भी उस बालक को लेते हैं, तो वो क्या करके प्रोक्षण करके या स्नान करा के या वस्त्र बदल के पंचगव्य प्राशन करा के कब उसकी शुद्धि होगी, ये वो तारतम्य है, इसको कभी फिर बतलाएंगे। वो रजो दर्शन में रहने वाली महिला मंजन नहीं करे, माने दतुअन नहीं करे, भूमि पर शयन करे, स्नान नहीं करे, मन से किसी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करे। सिनना, बुनना, बनाना, काटना या बर्तन मांजना, बुहारू लगाना, ये कुछ कार्य नहीं करे। गव्य पदार्थों का भक्षण नहीं करे ऋतुमती स्त्री, यानी
घी दूध दही इत्यादि को नहीं खाया। और किसी यहां तक कि एक ऋतुमती वाली कोई महिला उसी घर की कोई दूसरी महिला है वो भी ऋतुमती है तो वे दूसरे वे भी आपस में कदापि स्पर्श नहीं करें, वार्ता भी न करें कि वो भी दोनों है, दोनों को एक ही कक्ष में रख दिया, अब ये दोनों बतिया रही हैं या स्पर्श स्पर्श कर रही, वो नहीं करें। ये सब ऋतुमती की बात है। यहां तक ये कि जब किसी को देखना ही नहीं है, बात नहीं करना अपने पड़े, और अंदर ही अंदर भगवान नाम स्मरण और जो कर सकती है सत का चिंतन कर सकती है, ये कोई ऐसा बात नहीं है, परंतु ये पर पुरुष का चिंतन ये सब और ये सब स्पर्श वार्ता वर्जित है। और वो बाद में लिखा हुआ है कि तीसरे दिन, तीन दिन की यह शुद्धि होती है। इस अशुद्धि पर थोड़ी चर्चा कर लें कि इसकी दो बात है, एक तो यह रात्रि के अर्धरात्रि से पहले हुआ है तो एक दिन पहला माना जाएगा, आज का दिन गिना जाएगा, पहली तारीख में एक दिन हो गया, और बात रात्रि के अर्धरात्रि के बाद हुआ है तो ये अर्धरात्रि हमारे यहाँ बदलती रहती है, कोई 12 बजे निश्चित नहीं है ना, कभी रात्रि 13 घंटों की होती है, कभी रात्रि 11 घंटे की होती है, तो अर्धरात्रि बदल जाएगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है ना, या सूर्यास्त से सूर्योदय तक का जो समय है उसको घंटा मना करके और उसका ठीक आधा करके और उसको सूर्यास्त में जोड़ने पर वो रात्रि का अर्धमान ज्ञात हो जाता है, कब रात्रि रही, आधी रात्रि कब है। दूसरा मत यह है कि रात्रि के तीन प्रहर इधर हो जाए और चौथा प्रहर बचे तब तक हो जाए तब भी वो जो है मानना चाहिए, और कहीं सूर्योदय से पहले हो जाए तो एक दिन मान ले, परंतु ये जहां जो चल रहा हो वर्तमान में प्रचलन में यही माने कि आधी रात पर है ना, आधी रात से पहले हो जाता है तो इसी दिन माना जाए, और आधी रात्रि के बाद होता है तो वो दूसरा दिन ही उसको गिना जाए। तो तीन दिन तक तो अशुद्धि होती है, प्रतिमे अन चांडाली द्वितीय अन रजकी, रजकी प्रोक्ता प्रथमे अन चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी और तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे अन शुद्धि, यूं वचन है। पहले दिन तो वो जो है चांडालिनी के समान होती है महिला, और दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती है, और तीसरे दिन जो है वो रजकी मानी जाती है, शूद्रा मानी जाती है, और चतुर्थे अनुशुद्धि, चौथे दिन वो शुद्ध हो जाती है। ये अशुद्धि क्यों होती है पहले इसके बारे में देखो, देख ले मैं, ये इंद्र देवता को ब्रह्म हत्या लग गई थी और उन्होंने ब्रह्म हत्या अपनी चार जगह बांट दी, ब्रह्म हत्या वो बांटी महिलाओं को दी, तो महिलाओं ने आशीर्वाद लिया कि मैं हर समय जो है बिना ऋतुकाल के भी सहवास कर सकूं, अर्थात पति सम्मिलन संभोग कर सकूं, ये वर मांग करके और इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश उनको दिया, अर्थात और मनुष्य के अलावा कोई भी जैसे गाय भैंस घोड़ी इत्यादि और भी कोई जो है योनियां हैं उनके यहाँ जब वो मादा ऋतुमती होती है तभी वो पति सम्मेलन की इच्छा करती है और तभी होता, तभी गर्भाधान हो जाता। जिसको गर्भाधान हो चुका या जो ऋतुमती नहीं है तो वो फिर पति संभोग अपने नर संभोग नहीं करवाती है, वो होता ही नहीं है उसमें, उसकी इच्छा ही नहीं होती। लेकिन ये महिलाओं में पुरुषों में है कि गर्भ धारण करने के बावजूद भी और ऋतुकाल निकल जाने के बाद भी और वे जो पति संभोग की इच्छा करती हैं और होता है और हो सकता है, तो ये ही वरदान लेकर के तो वो ब्रह्म हत्या उन्होंने चतुर्थांश ले ली। तो और जो ब्रह्म हत्या वृक्षों ने ली, जल ने ली, भूमि ने ली, इनको भी वरदान दिया, भूमि को वरदान दिया कि तुम्हें जितने गड्ढे होंगे धीरे धीरे सब भर जाएंगे, कोई मिट्टी का आप निकाल लीजिए कहीं से, धीरे धीरे बरसात में पानी भर भर के वो सब भर जाता है। परंतु वो ब्रह्म हत्या उनको दिखती है, वो जहाँ ऊषर भूमि होती है तो ऊषर भूमि के रूप में जो ब्रह्म हत्या ही है इंद्र की, वहां कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। जल को दिया, जल से कहा तुम घटोगे नहीं, कभी भी जाओगे लोग बर्बाद भी करेंगे तो यहाँ से भूगर्भ निकल करके समुद्र में पहुंच जाओगे, ऊपर चले जाओगे आकाश में, फिर वृष्टि होकर के नीचे आ जाओगे, कभी घटोगे नहीं, तो घटता नहीं है। और उसका जो है बुद्ध बुद्ध के रूप में वो
ब्रह्महत्या रहती है, इसलिए बुदबुदे युक्त जल से स्नान इत्यादि नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में नदियों में जो बुदबुदे आते हैं वहां स्नान करना वर्जित है, जल को यूं हटा करके ही स्नान करना चाहिए। वैसे भी सामान्य रूप से वृक्षों को भी दिया तो वृक्षों में जो गोंद निकलता है, निर्यास जिसको कहते हैं, वो भी ब्रह्महत्या है, उसको नहीं खाना चाहिए। और उनको वरदान दिया कि तुमको लोग काट देंगे, जड़ को यदि नहीं निकालेंगे तो उसमें से भी फिर तुम बन करके और पौधा निकल आएगा और फिर हरे भरे हो जाओगे। स्त्रियों को भी ये जो है ब्रह्महत्या दी, और ये ब्रह्महत्या 3 दिन तक प्रकट होती है, ये रज के रूप में, पहले नहीं होती थी ब्रह्महत्या, ये जो है इंद्र ने दे दी तो और उसका ये वरदान ले लिया, इसलिए महिलाओं को 3 दिन तक ये जो है रजो दर्शन होता है। और रजो दर्शन होने के बाद उनको ये उस समय यदि कोई पति गमन करती है, पति सहवास करता है, मतलब पति संभोग करता है, तो उस समय में या तो गर्भ ठहरता ही नहीं है, ठहरता है तो बहुत ही, ये डॉक्टर भी मानते हैं इस बात को कि बहुत ही दुर्बल रोगी और कुल को कलंक लगाने वाला और सब तरीके से जो है दुर्भाग्य युक्त वो पुत्र होता है, वो संतान होती है। उस समय जो पति गमन करता है या महिला जो है गमन करती है ऋतुकाल में, तो उनको ब्रह्म हत्या का पातक लगता है, इसलिए उस समय सावधान रहना चाहिए, पति से भी वार्ता इत्यादि नहीं करना चाहिए। और अपने आप को इसी तरीके से आप रहेंगी तो ही बचा सकती हैं। कई महिला कहती हैं कि भाई ये क्या आवश्यकता है, हमको कोई दंड दिया जा रहा है, दंड नहीं दिया जा रहा। यदि आप अब नहा धो करके वैसे ही तैयार करके वैसे ही रहेंगी तो आपको पति से मिलन की इच्छा होगी, और पति और आप यदि मिलते हैं संभोग करते हैं तो आपको दुष्ट संतान होगी, जिससे आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे, समझे। जो तो लौकिक फल है और पारलौकिक फल है कि आपको ब्रह्म हत्या की जो है ये स्थिति बनेगी, आपको ब्रह्महत्या लग जाएगी, ब्रह्महत्या का पातक लग जाएगा। इसलिए ये अगर आप मंजन भी नहीं करेंगी, स्नान भी नहीं करेंगी, बात भी नहीं करेंगी, एक जैसे बीमार आदमी होता है बाल अलग लेटा हुआ है, तो उससे ना उसकी इच्छा होगी ना उसको देख करके किसी पुरुष को उत्तेजना आएगी, इसलिए ये शास्त्रों में निषेध किया गया है। अब लिखा हुआ है चौथे दिन वो शुद्ध हो जाती है, चतुर्थी अन शुद्धि, लेकिन देव कार्य के लिए नहीं, देव कार्य के लिए तो वो 5वें दिन ही शुद्ध होती है, देव दर्शन इत्यादि। हाँ, पति की कोई सेवा शुश्रूषा करने के लिए स्नान आदि करके वो शुद्ध हो जाती है। लिखा हुआ है कि प्रत्येक महिला को ऋतु के बाद जो स्नान होता है चौथे दिन, वो चौथे दिन संगम काल में स्नान करना चाहिए, एकदम प्रातः काल में नहीं, प्रातः काल निकल जाए लगभग 8:30 9 बजे के समय पर ये जो है उसको स्नान करना चाहिए दूसरे दिन। और अपने योनि में लिखा है 60 बार मिट्टी से और उस योनि मार्ग को साफ करना चाहिए, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, इसको कोई इस तरीके से यह दृष्टि से ना देखे। और फिर पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए अमंत्रक, तो फिर वो शुद्ध होती है। और 5वें दिन फिर वो देव कार्य करने के लिए, भोजन बनाने के लिए और सभी लोगों की सेवा शुश्रूषा तथा और अन्य सभी कार्य करने के लिए प्रशस्त हो जाती है। तो ये महिला के, मतलब ऋतुमती महिला के संक्षिप्त में कुछ नियम बतलाए गए हैं, और भी विशेष नियम हैं जिनकी चर्चा फिर हम करते रहेंगे, तो इनको धीरे धीरे आप माने, पालन करें, अनुसरण करें, इनको हे दृष्टि से नहीं देखें, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है इसका पालन। जो महिला इसके नियमों का पालन नहीं करती हैं उनको इस लोक में और परलोक में जो है दुख का, पाप का और भाजन बनना पड़ता है, इसलिए इसका पालन अवश्य करना है। लौकिक भी फल है, पारलौकिक भी फल है, आप डॉक्टरों को पूछिएगा, आप पढ़िएगा देखिएगा, तो कोई भी उस समय आपको किसी भी प्रकार से पति मिलन की आज्ञा नहीं दे सकता, जितने जितने लेट होगा उतने ही बाद में प्रशस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ समर्थ भाग्यवान गुणवान यशवान कीर्तिमान है ना, और श्रेष्ठ सुंदर कुलानुरूप मनोनुकूल सतपुत्र की प्राप्ति होगी, सत संतान उत्पन्न होगी। इसलिए इन नियमों का पालन अवश्य करना है और इनका प्रभाव आपकी संतान पर पड़ेगा। आप संस्कार युक्त रहेंगे और यदि आप संस्कारवान होंगे तो आपकी
संतान भी संस्कार युक्त होगी तथा आपका सम्मान करेगी। अन्यथा वो सब आजकल जैसे ही है, जैसे कुत्ते के सुअर के बच्चे हो जाते हैं, फिर वो समझते नहीं है कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। वो सब देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, कुत्ते सुअर के बच्चे अपनी कुत्ती माँ में और अपनी सूकरी में ही गर्भाधान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं बड़े होने के बाद। तो यही हो रहा है जिन लोगों के यहाँ, जो कोई विचार ही नहीं है तो बोले बहन भाई ने विवाह कर लिया। आपने सुना होगा विदेश में पढ़ने के लिए गए और भाई बहन ने शादी कर ली। आजकल तो भाई बहन से ही नहीं, बहने बहने कर रही है आपस में विवाह, भाई भाई आपस में विवाह कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये दुष्परिणाम नहीं है तो क्या है? और तो और ये तो स्त्री पुरुष को तो छोड़ ही दीजिएगा, पुरुष जो है कुत्ते से कुतिया से विवाह कर ले रहा है और महिला वो कुत्ते से विवाह कर ले रही है। अंतर जातीय विवाह, अंतर योनी विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, अंतर जातीय विवाह, अंतर योनी विवाह, भाई उसकी तो योनी अलग है, उससे भी विवाह हो जा रहा है और लोग जो है उसको अपने जो है पति मान ले रहे हैं, उस अंतर योनि संभोग हो रहे हैं। अगर आपको सब कुछ करने की छूट शास्त्र दे दे तो करो भाई, लोगों का मन है कि हम तो भैया सड़क पर नंगा नाच करें तो करिए, वो आपकी मर्जी है, पर लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कह सकते, आचार्य ऐसा नहीं कह सकते, वो आपके इस जीवन के साथ साथ अनंतानंत आगे के जीवनों को भी और आपको सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, आपको आगे जीवन न लेना पड़े, आपका कल्याण हो जाए। आप भवाटवी में कई वर्षों से भटक रहे हैं, इससे आपका कैसे उद्धार होगा, इसकी चिंता शास्त्रों को है। आपको लग रहा है कि ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो आपके पिता हैं, आपके माता हैं, शास्त्र का आदेश ही पिता की आज्ञा है। तो वो पिता कभी चाहेगा कि हमारा पुत्र जो उसका नुकसान हो जाए किसी भी प्रकार का, इसलिए शास्त्रों में पितृबुद्धि रख करके, उनके उनमें श्रद्धा रख करके आचरण करने पर ही सद्भाव की सदगति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उनमें श्रद्धा रख करके अवश्य ही अनुसरण करें। हर हर महादेव।